Hello student, welcome to my channel Solve Maths and Read English. And in this video we will study section 4, that is a poem As You Grew. What is the meaning of As You Grew? Jaise jaise tum badhte gaye. So let's see what happened when we grew. Jab hum bade hote hain aur hum chote rehte hain, तब क्या होता है, मीन छोटे से बड़े होने पे क्या डिफरेंसेस आते हैं. ये पोएम बच्चों आपके लिखा हुआ है, कैथरीन बायरन फॉलशीफर ने इस पोएम को लिखा है. तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे पोएट के बारे में. कैथरीन एंड बायरन फॉलशीफर कैथरीन एंड बायरन फॉलशीफर इज़ ए क्लास आर्टिस्ट एंड ए ऑथर हु इन्फ्यूजेस मोटिवेशन अमंग पीपल through her poem and inspirational quotes. Byron Polschiefer is a retired criminologist. He is also a motivational speaker and a seminar leader who often write poems highlighting the importance of family values. बच्चो कैथरीन पॉलशीफर एक क्लास आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे कलाकार थे और एक ऑथर भी थे, एक लेखक भी थे, जिन्होंने लोगों के अंदर बहुत ही प्रेरणा जागृत की, मोटिवेशन जागृत किया अपने पोएम के थ्रू, अपने पोएम्स और अपने कोट्स के थ्रू उन्होंने बहुत ही प्रेरणा लोगों को दिया. उसी तरह बायरन फॉलशीफर क्या एक क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं. क्रिमिनोलॉजिस्ट मीन्स अपराध से संबंधित, अपराध के से संबंधित वो थे, लेखक वगैरह. और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी थे, मीन्स वो लोगों को मोटिवेशन देते थे, प्रोत्साहित करते थे. और एक सेमिनार लीडर भी थे. सेमिनार बच्चों होता है जैसे कि कोई एक असेंबली हो, किसी एक पर्पज़ के लिए लोग इकट्ठा होते हैं और उस पर लोग उस और एक कोई टॉपिक होता है तो उसमें कोई एक इंसान उसके बारे में बोलता है था, तो वो सेमिनार लीडर भी थे, सेमिनार को भी लीड करते थे. और उन्होंने कभी पोएम्स भी लिखते थे, जो कि फैमिली के बारे में, फैमिली के जो वैल्यूज़ होते हैं, फैमिली के इम्पोर्टेंस के बारे में बताते थे. तो ये तो हुआ हमारे पोएट के बारे में. अब हम चलते हैं रीड कर. तो चलिए अब पढ़ते हैं पोएम एज यू ग्रू. लेट मी जूम द पेज सो दैट यू कैन सी इट वेरी क्लियरली. एज यू ग्रू वी डोल्ड आउट लव एंड अफेक्शन एंड ट्रूथ टू नेचर यू. नाउ दैट यू पार्ट टू टेक योर प्लेस इन द यूनिवर्स वी प्रे दैट यू लुक विद इन to seek us. Use called by smart class software on the smart board in the class to read this touching poem. कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे डोल मीन्स होता है बच्चों बांटना, कि जैसे जैसे हम बड़े हुए हमें प्यार को, स्नेह को और सच्चाई को बांटना सीखना चाहिए. यह आपको विकसित करता है, ये आपको नेचर करता है और आपको कोशिश आपको अब आपको मिल गया है, आपको एक यूनिवर्स में प्लेस मिल गया है, प्लेस लेना आपको हिस्सा मिल गया है और आप उसके साथ रहने की कोशिश करिए. और ये बहुत ही हर टचिंग पोएम है जिसको कार्डवा स्मार्ट क्लास सॉफ्टवेयर से यूज पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है. अब देखिए पोएम पढ़ते हैं. फर्स्टली यू विल रिसाइट द पोएम ऑन योर ओन. आप खुद इस पोएम को पढ़ेंगे अपने मन में. एज यू ग्रू नो मैटर वॉट हैपन वी लुक एट सनी साइड ऑफ लाइफ. एज यू ग्रू टेक दैट यू द विजडम टू फोकस ऑन गुड इन लाइफ. अब होता क्या है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है. हमेशा आपको सनी साइड ऑफ लाइफ मीन्स लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों से कह रहे हैं कि उन्हें हमेशा लाइफ के पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए और कभी भी नेगेटिविटी को नहीं देखना चाहिए. और हमें हमेशा नेगेटिविटी को इग्नोर करना चाहिए, ठीक है. और हमें इतना एज यू लीव जैसे आप बड़े हुए, टेक विद यू द विजडम टू फोकस ऑन द गुड इन लाइफ. और हम आपके पास इतनी बुद्धिमत्ता आ जानी चाहिए कि क्या सही है लाइफ में, आप उसको फोकस कर पाए. एज यू ग्रू वी इंकरेज
you to be open and direct as you grieve. Never lose your honesty with those whom you speak. अब आगे पेरेंट्स कह रहे हैं, अपने बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें क्या होना चाहिए, बहुत ही कॉन्फिडेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, बहुत ही ओपन एंड डायरेक्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए लाइफ में, और कभी भी अपनी ऑनेस्टी को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए, और कभी भी किसी को चीट नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, हमें उसको चीट नहीं करना चाहिए। वे पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखा जाते हैं कि जब तुम बड़े हो तो कभी अपनी ऑनेस्टी को मत छोड़ो, और जिससे तुम बात कर रहे हो हमेशा उसका सम्मान करो, और कभी भी किसी को चीट ना करो। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है कि एज यू ग्रीव वी हेल्प यू टू फाइंड सॉल्यूशंस, एज यू लीव ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। As you grieve, we encourage individual through the action. As you live, continue to be independent and persevere when faced with life challenges. अब आगे क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं कि हमेशा प्रॉब्लम के क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, और हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें कभी भी अगर बहुत ज़्यादा चैलेंज हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, बहुत डिफ़िकल्टी हो, तो उसे छोड़ गिव अप नहीं करना चाहिए, उससे हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे करेजसली फेस करना चाहिए। हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए कि हम बोल्डली मीन्स पूरे बोल्डली और इंडिपेंडली आज़ादी से और साहस से अपना डिसीज़न ले सके, और हमें हमेशा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालना चाहिए, और कभी भी हमें अपने फैमिली को इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि वी हेल्प यू फाइंड सॉल्यूशंस। वो पेरेंट्स कह रहे हैं कि जब वो बच्चे होते हैं तो वो कैसे किसी प्रॉब्लम को की सॉल्यूशन निकालना चाहिए वो सिखाते हैं, और उसे वो हमेशा याद रखना चाहिए अपने लाइफ में जब वो बड़े होते हैं। ठीक है, और वो उन्हें इंडिपेंडेंट होना और अपने लाइफ के चैलेंजेस डिफ़िकल्टी को फेस करना भी सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एक रीइन्फोर्स दिया, रीइन्फोर्स मीन्स होता है मजबूत करना। जब वो छोटे होते हैं, जो बच्चे होते हैं, तो पेरेंट्स अपने फैमिली और फ्रेंड की वैल्यूज़ बच्चों को सिखाते हैं, और जब हम बड़े होते हैं तो हमें उसे मेंटेन करके रखना चाहिए और हमेशा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालना चाहिए। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए अब मूव करते हैं हम अपने, देखिए अब आगे क्या होता है कि एज यू ग्रीव वी शेयर मैनी हैप्पी टाइम्स, एज यू लीव ऑलवेज टेक टाइम टू लव एवरी डे, एज यू ग्रीव वी टॉट योर वैल्यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, एज यू लीव ऑलवेज स्टे ट्रू टू योर ओन वैल्यूज, डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। अब देखिए बच्चों, अब पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों से क्या कह रहे हैं, पोएट ये बता रहे हैं कि वो सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। देखिए यहाँ पे लिखा है वी शेयर मैनी हैप्पी टाइम्स, जो वो बच्चे होते हैं, हम बच्चे होते हैं तो हम पेरेंट्स हमारे साथ बहुत ही हैप्पी मोमेंट्स स्पेंड करते हैं। तो वो कहते हैं कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, तो वो हमें बताते हैं कि क्या हमें ये नहीं भूलना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है, और हमेशा चीयरफुल अपने लाइफ को चीयरफुल वे में लीव करना चाहिए, और कभी भी जो हमारे पेरेंट्स गुड वैल्यूज़ टॉट किए हैं, गुड वैल्यूज़ सिखाए हैं, उन्हें नहीं भूलना चाहिए, और हमेशा अपनी बैड कंपनी को अवॉइड करना चाहिए और उन बैड पर्सन्स को अवॉइड करना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है वी टॉट यू वैल्यूज़ राइट फ्रॉम रॉन्ग, मीन्स वो सिखाते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है, और हमेशा ट्रू रहना चाहिए कि जो हमें वैल्यूज़ हमारे पेरेंट्स सिखाए हैं उसे हमेशा हमें ध्यान रहना चाहिए, और हमेशा लालची लोगों या बुरे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। तो ये थी अब तक की पोएम। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे क्या होता है। आगे देखिए क्या होता है, एज यू ग्रीव वी एम्फेसिस मनी इज नॉट हैप्पीनेस, एज यू लीव ऑलवेज चेरिश द सिंपल थिंग्स इन लाइफ, एज यू ग्रीव वी इंकरेज यू टू लिव इस डे, एज यू लीव टेक विद यू थॉट दैट ईच डे यू आर गिवन इज ए प्रेजेंट। अब देखिए अब लास्ट रेंज में पोएट क्या करना चाहते हैं, मीन्स पेरेंट्स की बातों को वो कैसे हमें बता रहे हैं कि मनी क्या होता है लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और वो
सिर्फ एक कंडीशन नहीं है कि मेरे पास मनी हो तो ही हैप्पी रहना चाहिए। वे कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेरिस, चेरिस में खुश रहना, कि मैं छोटी छोटी चीज सिंपल चीज़ों से, साधारण चीज़ों से अपनी लाइफ में खुशी खुशी महसूस करनी चाहिए। ऑलवेज चेरिस सिंपल थिंग्स इन लाइफ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि हमें छोटी छोटी चीज़ों को क्या करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, उसे प्रेज करना चाहिए जो भी हमारे पास है। वे आगे कहते हैं कि वो जब हम बचपन रहते हैं तो हम एक एक दिन को बहुत ही एनर्जी के साथ लीव करते हैं, जीते हैं। तो वही सोच बता रहे हैं कि जब आप बड़े हो, एज यू लीव मीन्स आप जब बड़े हो, टेक विद यूथ थॉट दैट ईच डे यू आर गिवन इज प्रेजेंट। वो कैन इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए, हर डे को इंजॉय करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हर एक दिन मुझे एक प्रेसियस गिफ्ट की तरफ, एक भगवान के एक प्रेसियस गिफ्ट की तरफ मिला है, एक उपहार की तरह मिला और इसे जीना चाहिए। तो ये थी आपकी इस पोएम का मतलब। मीन्स हमें लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए और हमेशा ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस से लाइफ को जीनी चाहिए। ठीक है, अब एक मैसेज पेरेंट्स के थ्रू पेरेंट्स का कन्वे करना चाहते हैं ऑथर। चलिए देखते हैं वो मैसेज ऑफ द पोएम। दिस पोएम इज अ मैसेज फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ग्रोन अप एंड यंग वंस। थ्रू द पेरेंट्स द पोएट वांट टू कन्वे द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली वैल्यूज एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ही फॉर द एम्फेसिस दैट वी शुड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, नो मैटर हाउ सिंपल द लाइफ इज। We should be honest in our words as well as our deeds. We should never be influenced by others easily, but have the wisdom to judge what is right and what is wrong. वही चीज़ें हैं कि देखिए पोएम में मैसेज दे रहा है, पेरेंट्स अपने बढ़ते हुए बच्चों को ये बताते हैं कि फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट होती है उनके लाइफ में, और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट मीन्स हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा सकारात्मक रहना लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। वो फिर इस बात को बताते हैं कि हमें लाइफ को हर एक मूवमेंट को बहुत ही अच्छे से जीना चाहिए और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कितनी सिंपल है हमारी लाइफ, क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं दूसरों के से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं कि उसके पास ये है हमारे पास ये नहीं है। तो नहीं, जो चीज़ है उसमें हम अपने आप को बहुत ही इन्जॉय करना चाहिए और हमें ऑनेस्ट होना चाहिए अपने वर्ड्स पे। मीन्स हम जो सब बोलते हैं उसमें हमेशा ईमानदारी होनी चाहिए, और डीट्स में जो हम काम करते हैं बच्चों, जो हम काम करते हैं और हमारे वर्ड्स, दोनों में क्या होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। और हमें भी कभी भी दूसरों से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें जज करना चाहिए सही और गलत क्या है। तो ये था आपका इस पोएम से मैसेज। आई होप आपको ये पोएम समझ में आया होगा, और अगर पोएम समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।